नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल के ऊपर चेतल इंकजेट टेक्नोलॉजी। मेरा नाम राहुल है। आपको आज मैं नॉर्मली एक बेसिक सी इन्फो बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट काउंटर होता है, इसको जीरो करने का क्या तरीका है। आपने इस वाले कर्सर से सबसे लास्ट में आना है डाटा लॉगिंग में, और यहाँ भी आपको प्रोडक्ट काउंटर दिखेगा। मान लो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जैसे कि इस वक्त ये है नहीं ना भी ऑप्शन, तो अभी इसमें हमें मशीन का जो पासवर्ड होता है नॉर्मल वाला, वो आपको डालना पड़ेगा। ये आपका प्रोडक्ट काउंटर हो गया। ऊपर लिखा ना प्रोडक्ट काउंटर, रिसेट काउंटर यस, डिस्प्ले इट यस, तो उसको हम रिसेट कर देंगे तो जीरो आ गया ना यहाँ पे। अभी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, 1 2 3 फिर से जैसे बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिक। अगर मान लो इसको आप दिखाना नहीं चाहते हो स्क्रीन पे, तो इसको डिस्प्ले को नो कर दो, तो ये प्रोडक्ट काउंटर यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। प्रिंट फिर भी करेगा, कोई इशू नहीं है। ये बस एक छोटी सी वीडियो बनानी थी। कईयों को इश्यू हो रहा है कि ये प्रोडक्ट काउंटर कैसे गायब होता है या कैसे इसको जीरो करना है। एक ये वाला प्रोडक्ट काउंटर होता है, इसके अंदर होता है जो मैसेज के अंदर डलता है। आज 20 जनवरी है, तो मशीन के ऊपर मैंने 20 जनवरी करके मैसेज डाला है। इसके बारे में तो आपको सारा कुछ पता ही है, ये कौन कौन सी रीडिंग्स होती है। इसकी वैल्यू अगर 40 से नीचे जा रही है आपकी, तो आपकी मशीन की इंक एक्सपायर हो रही है। मींस आपकी जो ये वाली इंक है ना, जो इसके अंदर इंक होती है, वो एक्सपायर हो रही है, ना कि ये वाली। ये वाली तो आपके अंदर गई नहीं है, इसके अंदर तो 1 लीटर रहती है इंक। ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। मैंने यहाँ पे जैसे 31 है, ये ब्लो 40 जा रहा है, तो इससे क्या होता है, ये नीचे जैसे जाना चलता रहता है तो EHT ट्रिप का इशू बढ़ जाता है, और प्रिंटिंग क्वालिटी सही से नहीं दे पाती। अगर मान लो आपको न्यू इंक डालनी भी पड़ जाए, तो आपको पहले इसकी इंक बाहर निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको मैं फ़ोन करके, आप बात करोगे तो मुझे बताओगे आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा मॉडल है, क्या प्रिंटर है, क्या प्रॉब्लम है। आप बताओगे कि हाँ मुझे इसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप इंक को निकालिए बाहर, तो उसके बाद न्यू इंक लोड कीजिए। न्यू इंक परचेज करना चाहते हो तो वो भी मेरे से मिल जाएगी। बाकी सारे तो आप मेरे चैनल देखते रहते हो, लाइक्स भी कर देते हो कभी कभी आपका मूड आ जाए, और शेयर तो करते भी नहीं बिल्कुल भी किसी के साथ। किसी को मेरे बारे पता ना चल जाए ना, इसलिए शेयर करते कि मैं यूट्यूब से हेल्प ले रहा हूँ। अरे मैं भी इंडिया से हूँ, आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ हर तरह से। अगर मैं बिजी हूँ कहीं सी वजह से, आपका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया, तो प्लीज़ वेट कीजिए, आपका मैं फ़ोन ज़रूर अटेंड करूँगा। ये मशीन का वर्जन इन्फो है, ये सबसे ऊपर 450 तक आ रहे हैं आजकल तो। 55 आ गए, देख लो प्रिंट लगातार कर रहा है ये। फिर से जीरो कर दिए मैंने,
ये पंप के आरपीएम है 1200 अभी चल रहे मेरे। नॉर्मली अगर फ्रेश कोर है या नया प्रिंटर है तो 12 से वो ही रहते हैं। अगर कोर पुराना हो गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है मशीन के अंदर, हाई आरपीएम जब पंप फॉल्ट आ रहा है, तो आप मुझे फोन कर सकते हो उसके लिए। तो उसका एक मशीन का एक पार्ट होता है, वो नया डलता है तो उससे ये ठीक होता है। अदरवाइज इसका मशीन के अंदर सेटिंग से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जी आरपीएम 1500, 1600, 1700, 1800, 2200, 2250 ऐसे आपके जा रहे हैं, ये हीटर की पावर होती है। क्योंकि इसका एक मिनिमम 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है इसको मशीन को ऑपरेट करने के लिए। सर्दियों में क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, मशीन ईएचटी ट्रिपिंग देने लगती है। तो इस केस में जो आपका ब्रैकेट का टेम्परेचर है जो 30 डिग्री आ रहा है, पर हेड का टेम्परेचर अभी 35 है, वो चल चल के अभी गर्म हो गया है। मिनिमम 35 ही रहना चाहिए। 35 से अगर नीचे जाता है जो प्रिंटिंग सही से नहीं कर पाएगा तो वो ड्रॉप्स नहीं बनेगा आपके और प्रिंटर ईएसटी ट्रिप दे देगा। ईएसटी ट्रिप तो आपको पता ही होगा वो कहाँ से निकलता है, ये कैलिब्रेट में जाके ईएसटी ट्रिप क्या आ गया, ये वाला कैलिब्रेट ईएसटी यार, जेट मस्ट बी स्टॉप। तो एक ये मेरा एक सीक्रेट शॉर्टकट है, मैं इसको प्रिंटर को डिसेबल करने के लिए मैं यूज करता हूँ। अभी मेरा प्रिंटर डिसेबल हो गया है, देख लो। ये मेरा अनेबल हो गया है, ये डिसेबल हो गया है। आप पूछना जरूर चाहेंगे फोन करके या लाइक करके या कमेंट करके, ये मैंने कैसे किया। चलो पता है तो अच्छी बात है। इसका भी एक फंक्शन होता है इंक गाढ़ा और पतला करने के लिए। अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है इंक गाढ़ा या पतला की, इस चीज से सॉल्व हो सकती है। ये मेकअप का चिप डाटा दिखाएगा, जैसे ये मेरी अभी 706 की चिप है तो 706, और मैंने कितनी बार कार्टेज अंदर और बाहर किया है, मैंने टोटल 21 बार अभी कार्टेज अंदर बाहर कर चुका हूँ। कभी कभी आपको मशीन के अंदर एक ऐसी दिक्कत जरूर आती होगी सामने प्रिंटर में, आप सोचते हो कि ये क्यों आ रही है। अभी मैंने कार्टेज निकाल दिया है यहाँ से, तो भी मैंने दोबारा लगाया, ये मेरा कार्टेज लग गया। ये लिखा है ना मेकअप इंसर्ट ऑक्सीडेड, तो इसका मतलब ये होता है जैसे आपने अपने मेकअप अंदर और बाहर 10 से ज़्यादा बार कर दिया है। अभी पहले 21 था ना, अभी 22 आ गया है। फ्लूड लेवल 8 का मतलब है मैंने इतना यूज़ किया है। ये अप टू 75 या फिर 100 तक जाता है, डिपेंड करता है कि कितना है। ऊपर फ्लूड चिप की एक्सपायरी डेट आती है, 2021 की है, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 21 में ये चिप एक्सपायर होगी। एक्सपायर होने का ये मतलब नहीं कि मेरी चिप उस वक्त ख़त्म होगी, चिप तो 100% अभी 80% है, जैसे जीरो हो जाएगी तो चिप ख़त्म हो जाएगी। ये इंक स्मार्ट चिप डाटा है, ये मेरा कोर का डाटा आ गया। फिलहाल इंक रेफरेंस नंबर 411 आ गया और 706 की आ गई। विकोस्टी के अलग अलग रेफरेंस नंबर, सीरियल नंबर, एक्सपायरी डेट आ गई है, और ये देखो ये मेरा इंक का डाटा आ गया है, और ये मेरा इंक कोर का डाटा आ गया है। अभी 6000 घंटे का कोर है तो 6000 में से 5 घंटे चली है और बाकी के 5995 घंटे अभी बचे हैं। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। इसकी वाल्व स्क्रीन है, मींस वाल्व स्क्रीन कौन कौन से वाल्व अभी चल रहे हैं, इसके अंदर इतने वाल्व्स होते हैं, ये सारे चलने चाहिए हर वक्त। कोई भी वाल्व इनकेस नहीं चलता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे नाखून पे इंक लगी है ना, ये मिटती नहीं है, ये सिर्फ थिनर से मिटेगी, मिटेंगे कोई बात नहीं, लगी रहने दो। लड़कियां करती हैं नेल पॉलिश, हम करते हैं इंक वाली पॉलिश। हेड फीड ये ऑन है, ये सारे ऑफ है, गटर ऑन है, गटर तो ऑन रहेगा ही, जैसे
होता है, ये लोगो एक्सपोर्ट करने के लिए है, लोगो पेनड्राइव में डालने अपने बाहर से, यहाँ से यहाँ, इसमें पेनड्राइव लगती है ना इस चीज में। चलिए अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना कृपया, लाइक तो आप करना ही मत बिल्कुल भी, मुझे पता है आप मेरी वीडियो पसंद नहीं करते, अगर करते होते तो लाइक जरूर करते, और फॉलो तो अब मुझे पता ही है आपने अगली वीडियो मेरी नहीं देखनी होती है, अगर देखनी होती तो शायद आप फॉलो पहले से ही हो, शायद आप नए हो तो फॉलो कर लें भाई, क्योंकि मैं वीडियो डालता रहता हूँ, थोड़ा पागल किस काम, आप समझ सकते हो मैं ये कैसी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, बस ऐसा ही हूँ मैं। कईयों को लगता होगा भाई इस सीक्रेट इन्फो बता रहा है यूट्यूब पे, कई फोन करके मुझे परेशान करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कई कंट्रियों के से फोन आते हैं, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सोलमिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, अरब कंट्रीज, यूएसए तक के फोन आए हैं वीडियो देख के, इंडिया से तो चलो आते हैं, हिंदी में वीडियो डाली है ना इसलिए, बाकी अदर कंट्री वाले भी फोन करते हैं, वो सिर्फ वीडियो देख के ही समझ जाते हैं कि ये बंदा थोड़ा वो है। चलो अपनी तारीफ मैं खुद नहीं करूँगा, आप तारीफ कीजिए यूट्यूब पे कमेंट करके। ये मैंने क्लियर पासवर्ड कर दिया इसका भी, प्रिंटर को भी बंद कर देते हैं, मेरा भी हो गया बस, अभी मैंने F1 से इसको बंद कर दिया। ये कर रहा है अभी ऐसे आवाज में, जैसे गाड़ी चलती है ना ऐसे कर रहा है, पंप की आवाज है जो कर रहा है, पंप देखे, पंप की RPM के चल रहे हैं, देख अभी पता चलेगा, जीरो आ गया अभी। अब मुझे लग रहा है मेकअप खींच रहा है, इसकी वाल्व स्क्रीन आपको दिखाता हूँ, ये देखो हेड पर्ज कर रहा है, इसका मीन्स मेकअप, ये देखो कभी गटर ऑन हो रहा है, कभी पर्जिंग ऑन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सफाई कर रहा है प्रिंटर की। लाइट मैंने इसलिए जगा रखी है, पीछे रात का समय है, रात में वीडियो बना रहा हूँ, दिन में तो टाइम लगता नहीं है, फिर से चल गया इसका ट्रैक्टर, आप जो मर्जी समझ लो कौन सी गाड़ी चली है, अभी कमेंट करके बता देना कौन सी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, जो हमारे लिए तो गाड़ी की आवाज आती है, वो पीछे गटर पहुंचा जो दिख रहा है, और इनको मेकअप को खींचता है यहाँ से, अंदर से थोड़ा दिखाता हूँ क्या, कितना डाला हुआ है इंक, कार्टेज लीक कर दिया, लो जी ये हो गया प्रिंटर बंद, अब मैं वीडियो को भी बंद कर दूं भाई, शुक्रिया जो जो बातें की हैं भाई याद रखना, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो ये वीडियो 5 PVC प्रिंटिंग के प्लांट की है, आप देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग एक हैंडी प्रिंटर की है, ये मैं कार्टून के ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ, अगर आप इस प्रिंटर को लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर मुझे फ़ोन करें, ये थोड़ा कम कीमत में आता है और प्रिंट इफेक्ट पूरा आपका
CIJ प्रिंटर जैसा आएगा। मैंने आपको जूम करके अभी दिखा दिया, दोबारा फिल कर दिया, ये देख लो, ये मैंने टेप के ऊपर किया प्रिंट। ये मैंने बड़े अक्षरों में अमेजोन प्रिंट करके लिखा है। ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर भी है, आप अमेजोन से ले सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलेगा, पर आप मेरे से अगर डायरेक्ट लेते हो तो आपको 5000 तक का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अमेजोन पे मुझे 5000 फीस देनी पड़ती है। ये मैंने बंद किया, वहाँ से एक ऑप्शन है। ये वीडियो को आपने कई बार देखी होगी, आपको व्हाट्सएप में आई, ये मेरे पास भी आ गई है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। तो जहाँ पर मैं एक बंदा प्रिंट कर रहा है हिंदी प्रिंटर से, इस प्रिंटर की